एवरीवन, गुड इवनिंग। एफआर में आपके पास सेक्शन सी का एक फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरप्रिटेशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का, जिसमें आप एक कंपनी के कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं और फिर कमेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब ये सेक्शन सी का 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो छोड़ना भी ऑप्शन नहीं है, सो एवरीबडी हैज टू अटेम्प्ट इट। So in this video, we are going to talk about some points which you need to remember when you are answering this interpretation question. Yani kabhi bhi jab aap is tarah ke question ko handle karein, kuch in points ko dhyan rakhna. It will increase your chances of impressing the examiner and passing the exam. One more thing. Ye jo interpretation and comment karne wala portion hai, ye FM, PM, P level sab mein aata hai. That means when you are a part of the ACC qualification, किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के उसके बारे में कॉमेंट करना, अच्छे से कॉमेंट करना, ये तो आपको वैसे ही आना चाहिए। So let's just get going कि क्या दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है whenever you are dealing with the interpretation part। चार बातें as of now, वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में चार बातें, इनको एक एक करके डिस्कस करती हूँ। अभी तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, लेकिन एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली चीज, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला विच यू आर यूजिंग। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जीपी मार्जिन निकाल रहे हैं या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, वो क्या करते हैं, ये लिखते हैं सीधा जीपी मार्जिन और इक्वल टू आंसर लिख देते हैं 18%। ये कैसे आया, आपने क्या वैल्यूज यूज करी, क्या फॉर्मूला था, इसका कुछ अता पता नहीं। I will suggest आप जीपी मार्जिन के बाद में इसका फॉर्मूला भी लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100 गिव्स यू जीपी मार्जिन, राइट लाइक दिस। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आप क्या ले रहे हैं, लेट सपोज 3000 अमाउंट है, रेवेन्यू का ब्ला ब्ला ब्ला, लेट सपोज 30,000 का अमाउंट है, इंटू 100, ये आपका आता है जीपी मार्जिन का कंप्लीट प्रेजेंटेशन। So try to do like this so that the examiner clearly knows कि आपको इसको कैसे calculate करते हैं वो भी पता है, और gross profit का amount आपने क्या लिया है, revenue का amount आपने क्या लिया है, वो भी clear cut examiner को दिख जाए। So first set of advice, please give the formulas whenever you are calculating any ratio. Even अब तो ये word में होता है तो भी आपको ये करना है। Next, follow the format which the question asks. क्वेश्चन कई बार बोलता है कि आप रिपोर्ट लिखिए, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल यहां पे दिख रहा है, क्वेश्चन ने बोला कि प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द कंपनी टू एनालाइज द कंपनीज परफॉर्मेंस। अब रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, इफ यू मिस दैट फॉर्मेट तो आपने एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। रिपोर्ट के फॉर्मेट में टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट, इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होता है, यानी एक सेट फॉर्मेट। So whenever the question asks you to prepare a particular item in a particular way, आपको उसी तरह से उसको देना है। There is a reason why the examiner wants you to prepare a report. तो अगर आप उसको report नहीं बना के देते हैं, he is more likely to deduct your marks. और P level में तो ये reports, email लिखना, briefing note लिखना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा matter करेंगी, इन्हीं के basis पर number जगह जगह कटेंगे। इसलिए डबल कॉशियस होके फॉर्मेट को अभी से फॉलो करना चालू करो कि जब एग्जामिनर ने फॉर्मेट मांगा है तो मैं फॉर्मेट दूं। थर्ड सेट ऑफ एडवाइस, कंटेंट की लेंथ को बिल्कुल बैलेंस रखिए, ना तो हमें भारी वर्षा करनी है, डू नॉट ओवर फ्लड इट। मैंने कई स्टूडेंट्स के पेपर्स जब देखे, वो बच्चे इतना कुछ लिखते हैं, इतना कुछ लिखते हैं सिंपली टू प्रूव कि उनको आता है। सी, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, एग्जामिनर को इररिलेवेंट मटेरियल नहीं चाहिए, एग्जामिनर को टू द पॉइंट लिखा हुआ कंटेंट चाहिए। यानी कि आप अगर एक टॉपिक से रिलेटेड 10 चीजें लिख देंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, डू नॉट डू दैट। वही लिखो जो मांगा गया, वही लिखो जिससे रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर इज फुलफिल्ड। तो ये चीज ध्यान रखना, प्लीज डू नॉट ओवरफ्लो, डू नॉट कीप इट टू क्रिस्प आल्सो।
तो कोरा कागज नहीं छोड़ना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज एक्सप्लेन करने की बजाय स्टूडेंट्स दो तीन वर्ड्स में उसको खत्म कर देते हैं, जीपी इज इंप्रूविंग, खत्म। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इंप्रूविंग फ्रॉम दिस परसेंट टू दिस परसेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी सेंटेंस पूरा लिखो। तो क्रिस्प का मतलब टू क्रिस्प नहीं है, राइट बैलेंस्ड, मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, बैलेंस मेंटेन करो कि आप क्या लिख रहे हो। इट शुड बी बैलेंस्ड इन बोथ द एस्पेक्ट्स, नॉट टू डिटेल्ड, नॉट टू क्रिस्प। एक और चीज, लास्ट फोर्थ एडवाइस, चेंज पैराग्राफ्स एट करेक्ट प्लेसेस। मतलब कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो पैराग्राफ्स चेंज नहीं करते, मतलब स्टोरी की तरह लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द कैपलिन एग्जाम किट, एक फ्लैश फो नाम का क्वेश्चन है आपकी बुक में, थोड़ा सा ध्यान देना। एग्जामिनर ने फ्लैश फो के रेवेन्यू के बारे में बात की है, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया है। फिर क्या बात कर रहा है एग्जामिनर, लॉस ऑफ अ कॉम्पिटिटर ड्यूरिंग द ईयर विल हैव बेनिफिटेड फ्लैश फो, यानी अब कॉम्पिटिटर के बारे में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात जब कर रहे हैं, दे हैव चेंज द पैराग्राफ। फिर जब जीपी मार्जिन के बारे में बात हो रही है, फिर से दे हैव चेंज्ड द पैराग्राफ। उसके बाद में जब सप्लायर के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस इंप्रूव करने की बात हुई, देयर आल्सो दे हैव चेंज्ड द पैराग्राफ। आप ऐसा करके एग्जामिनर को क्या दिखा रहे हो कि आपको पता है कि कहां पे एक नए मुद्दे पे बात हो रही है। तो वेरेवर यू आर टॉकिंग ऑन अ डिफरेंट मैटर, चेंज द पैराग्राफ। डू नॉट राइट योर आंसर जस्ट लाइक अ नॉवल की कहीं रुकी नहीं रहा। And at the last, remember, a well-structured answer can change your impression in the mind of the examiner. A well-structured answer shows that you are a part of a professional qualification. Remember these words. Try to improve your writing skill. ये अभी भी काम आएगी section C में skill level पे, और P level पे तो सारा है ही writing skill. So be careful on these four set of advices. If there is any question you would like me to answer, please feel free to write that in the comment section. Hope you find this video helpful for your studies. Till the time you are studying, just take care, prepare well. Thank you so much and bye-bye.